नमस्ते दोस्तों, बुधवार के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक जोशी, IIA की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मुझे बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि सर, हम लोग हमारा जो टारगेट अभी 11 महीने हो चुके हैं, अभी हमें MDRT करना है, COT करना है, TOT करना है, और अभी लग नहीं रहा है कि हमारा टारगेट हो सकता है। दोस्तों, टारगेट को गारंटीड अचीव करना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है कि हमने जो टारगेट नक्की किया है वो टारगेट हो जाएगा, ये सोचना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे टारगेट को दे रहे। अगर हमने सोचना शुरू कर दिया पक्का होगा, आपके अलग वाइब्रेशन आएंगे। हमने सोचा होगा कि नहीं होगा तो फिर मिक्स वाइब्रेशन आए, और अगर आपने अपने थॉट्स को ये एनर्जी दे दिया कि नहीं होगा तो चांसेस नहीं होने के बढ़ जाते। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमने जो टारगेट नक्की किया है वो हमें उसको पॉजिटिव एनर्जी देना है। अगर पॉजिटिव एनर्जी आपको देना नहीं आता है तो भगवान के सामने जाइए, प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे ब्लेस करो, सद्बुद्धि दो, विद्यार्थी देवी माता सरस्वती, आप जो भी भगवान में मानते हैं उनके पास प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना, भगवान तो सब जगह है, सो दिल से प्रार्थना कीजिए, थैंक यू मुझे सद्बुद्धि देने के। तो सबसे पहला है कि हमारे टारगेट को पकड़ के रखना है और उसको पॉजिटिव एनर्जी देना है, होगा होगा होगा। आप अपने अभी शुरू करो, जिसको ऐसा डाउट आता है ना, अभी शुरू करो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आपको अलग सोच आना शुरू हो जाएगा। अरे आप इस सोचोगे नहीं होगा तो भी अलग सोच आना शुरू हो जाएगा, और आपने होगा 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 तो आपको बहुत से कस्टमर याद आएंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट है कि हमें हमारी सोच को पॉजिटिव रखना। दूसरा है, होगा कि नहीं होगा ये तो आखिर में पता चलेगा, सो हमें अभी से लेके ये मोमेंट से लेके हमारे टारगेट के लिए जो भी करना चाहिए, जैसे लोगों को मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए, ज्यादा से लोगों से बात करनी चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए, मींस एक काम है मैक्सिमम लोगों को मिलना है। आज से लेके 31 दिसंबर तक आपको बहुत लोगों को मिलना है, लोगों के बीच में रहना है, लोगों को मिलने के अलावा कोई काम नहीं करना पॉलिसी सेल करने के लिए। और आप अगर बहुत लोगों को मिलोगे, भगवान भी ये देख रहा है और कर्म का प्रिंसिपल भी है, अगर बहुत लोगों को मिलोगे तो क्या होगा, उसमें से कोई ना कोई भगवान उनको प्रेरणा देगा, ये बच्चा भाग रहा है और वो ले लेंगे। तो मैक्सिमम लोगों को मिलना है। तीसरा पॉइंट है कि नई मीटिंग शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन हमने जो पूरे साल में जितनी मीटिंग की है उन्होंने बोला बाद में आना, 2 मीटिंग हो चुकी है, 3 मीटिंग हो चुकी है, 4 मीटिंग हो चुकी है, कभी कभी हम नाराज हो चुके हैं, बोलता एक और फाइनल पंच, जैसा भी कोई पत्थर टूटता है ना, पहले स्टॉक से कभी कभी टूटता है, कभी दूसरे से कभी टूटता है, कभी तीसरे से टूटता है, जो पत्थर तोड़ने वाला हारता नहीं है वो क्या करता है, और एक हथौड़ा मारता है, और एक हथौड़ा, और एक हथौड़ा जोर से मारता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपने जहां 4 मीटिंग कर चुके हैं, 5 मीटिंग कर चुके हैं, 6 मीटिंग कर चुके हैं, वहां और एक मीटिंग, और हो सकता है, और बहुत से टाइम में होता है कि फाइनल पंच ही रिक्वायर्ड है, क्लाइंट भी तैयार बैठा, आपने 5-6 धक्के खाए, उसका एक कर्म जमा हुआ है। और दोस्तों, ऑल ओवर वर्ल्ड का एवरेज है, एवरेज पॉलिसी 7वें अटेम्प्ट पे बिकती है, एवरेज पॉलिसी मतलब किसमें 8 में बिकती है, 9 में बिकती है, तो आपने 8 धक्के खाए तो और एक कोशिश कर लेंगे क्लोजिंग करने के लिए। अभी ओपन तो कर दिया है, आपने डिस्कशन बहुत कर दिया है, सो और एक अटेम्प्ट। चौथा पॉइंट है, ये काम समझाने का है, बेचने का है, लेकिन ये जो माहौल है अभी का, जो दिसंबर महीना पर्टिकुलरली आज से जो शुरू हो रहा है, इसका है सपोर्ट लेने का। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करिए, जिसको भी मिलिए बोले मेरा एक टारगेट है, मुझे दिसंबर में मेरा लास्ट मंथ है और मुझे आप सपोर्ट करिए, मुझे
MDRT, COT, आपका जो भी टारगेट है मुझे क्वालिफाई करना है। जितने ज्यादा लोगों से आप बोलोगे ना मुझे सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, मुझे ब्लेस करिए, मुझे सपोर्ट करिए, तो सामने से लोग पूछेंगे क्या सपोर्ट चाहिए। आप बोल सकते हैं कि मेरा इतना प्रीमियम अभी और रिक्वायर्ड है, आप कितना सहयोग कर सकते हैं, आप कितने लोगों को मुझे मिला सकते हैं, या तो वो ले सकता है या दूसरे को दिला सकता है। दोस्तों जितनी भी और एक बात है कि जितने भी केसेस हमने हाफ ईयरली क्वार्टरली बेचे हुए हैं, अगर उसका प्रीमियम ड्यू हो रहा है हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसका प्रीमियम भरवा देना चाहिए। जनवरी की अभी प्रीमियम एक महीने अभी प्रीमियम भर सकते हैं। सो जितना प्रीमियम ऑलरेडी बैकलॉग है वो चेक करिए, हो सकता है उसमें से आपका कुछ ना कुछ प्रीमियम निकल जाए। और एक तरीका है, जितनी पॉलिसी आपकी लैप्स है और उसमें फर्स्ट ईयर कमीशन अगर बाकी है, समझो एक ही क्वार्टर बेचा है, तीन क्वार्टर बाकी है, हाफ ईयरली भरा है और एक हाफ ईयरली बाकी है, तो क्या करना चाहिए, पहले दो साल पहले, तीन साल पहले भी, जो दो साल पहले, तीन साल पहले कोई पॉलिसी बंद हो चुकी है, चार साल पहले बंद हो चुकी है, जो पॉलिसी शुरू हो सकती है और जिसमें फर्स्ट ईयर कमीशन बाकी है, अगर ये पॉलिसी शुरू करवा दी आपने इमीडिएटली, तो ये महीने में जल्दी शुरू करवा दी तो उसका भी कमीशन आ सकता है। सो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, और आप भागोगे भागोगे भागोगे, आप किसकी तड़प देखते हो ना कि इसको पक्का करना है, और ये भाग रहा है, और भागने वाले को सब लोग मदद करते हैं, मैंने आज तक देखा हुआ है। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत से टाइम पे ऐसे लास्ट मोमेंट पे जो भी टारगेट था करने की कोशिश की, और मैंने हजारों लाखों एजेंट को देखा है जो मेरे पास आए, एक दिन बाकी होता है, दो दिन बाकी होता है, चार दिन पांच दिन बाकी होते हैं, और मैंने देखा है कि वो लोग हिम्मत छोड़ते हैं। तो हिम्मत नहीं हारना है सबसे पहले। एक्चुअली मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि रोना कब चाहिए, पिताजी बीमार है तभी, बीमारी हॉस्पिटल में तभी रोना चाहिए कि मर जाने के बाद, एक्चुअली मरने तक आशा नहीं छोड़ना। हम कोई भी हमारा रिलेटिव हॉस्पिटल में है, डेड बेड पे है, डॉक्टर भी आशा छोड़ देगा, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं भगवान इनको बचा ले, तब तक नहीं रोते, तब तक उसको बचाने की कोशिश करते। तो हमारा टारगेट नहीं होने के पहले रोना नहीं, अगर नहीं हुआ उसके बाद रोना क्या है, क्योंकि नहीं हुआ तो उसके बाद और जोर से शुरू करना है। एक्चुअली आप देखना, कोई भी इंसान अगर गिर जाता है, ठोकर लगी, गिर गया, तो गिरे गिरे रोता नहीं है, वो तुरंत खड़ा हो जाता है। तो हमेशा हमेशा याद रखना है कि कुछ भी हो जाने के बाद रोने से कोई कुछ होने वाला नहीं। तो दोस्तों मैं जरूर देखता हूं आपका ये वीडियो, आपके अनेकों दोस्तों को भी भेजिए, हमारे YouTube चैनल हर एक लीडर का है, वो रोज दिन में एक दफे दो दफे सोने के टाइम जरूर देखिए, उठने के टाइम जरूर देखिए, इससे आपको पक्की एनर्जी मिलेगी, यस मैं कर सकता हूं। और दोस्तों अभी हमारे मुकेश जोशी ने एक वीडियो सोमवार को परसों ही डाला हुआ है, एक हैंडीकैप पर्सन राजस्थान से दो MDRT कर चुका है और अभी बोलता है मैं तीसरा MDRT करूंगा, पोलियो है उसको बचपन से, कल्याण सिंह जिनका नाम है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि पोलियो वाला आदमी दो MDRT कर चुका है, अभी उसको छोड़ देते चलता था कि दो तो हो चुके हैं, लेकिन बोलता नहीं और एक MDRT करूंगा और मैं पक्का करूंगा। ऐसे वीडियो देखने से, ऐसे कुछ बातें सुनने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और बोलते हैं मोटिवेशन मींस मिलियन, तो हमें बहुत लोगों को मिलना है, मोटिवेट रखना है, हमारे दोस्तों को जो दूसरे लोग MDRT के लिए भाग रहे वो भी नाराज होगा, उसको भी हिम्मत देनी, मैं भी भाग रहा हूं तू भी भाग, हो जाएगा पक्का हो जाएगा, और ये पक्का हो जाएगी जो माला है ना वो जरूर हो जाएगी दोस्तों। सो लास्ट मोमेंट में MDRT कैसे क्वालिफाई करना, उसके लिए मैंने कुछ नियम बताए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आपका जो लक्ष्य है आप जरूर हासिल कर चुके। Wish you all the best. God bless you. Thank you.